अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, मतलब आपको खुश हो पा चुके अमीन सुनी। और ये है जी मॉर्निंग का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का है। और मैंने अपने बेटे की फरमाइश पे ही आलू गोभी का पराठा बनाया। और आज इतनी सुबह छोटा बेटा भी साथ ही उठ गया था और इनको नाश्ता करवा रही हूँ। नाश्ते के बाद फिर इसे रेडी करूँगी और स्कूल छोड़ के आऊँगी इसे। देखिए, हम लोग बाकी हलान को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो आज तो बिल्कुल इतना अंधेरा था। 6:30 हुए थे अभी और ऐसे फील हो रहा था बहुत ही इतना भी दिन अभी इतना नहीं स्टार्ट हुआ, बहुत ही अंधेरा फील हो रहा था। अब ठंड भी बहुत लग गई थी और स्कूल छोड़ने जा रहे थे। में मौसम बहुत ज़बरदस्त था, इतना अच्छा लगा सुबह सुबह बाहर। जब हम लोग निकले तो बादल भी छाए हुए थे और ठंडी हवा भी चल रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। और फिर बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद फिर ये है कि दोपहर का टाइम, और फिर मैंने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद भी वापस आके मैंने थोड़ी सफाई वगैरह की, तो किचन वगैरह क्लीन किया। और मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए राइस बना लेती हूँ। आलू मटर और गाजर पड़ी हुई थी और मैंने फिर राइस बना लिए इसके, और बहुत यम्मी एंड टेस्टी बने थे। फुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द करूँगी। तो बहुत मज़े के बने थे राइस। और सब सिस्टर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने कर लिया है बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, 7-8 मिनट या 5-6 मिनट की वीडियो होती है। प्लीज़ लाइक ज़रूर प्रेस कर दिया करें। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो कमेंट कर देते हैं और लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, प्लीज़ लाइक भी ज़रूर प्रेस किया करें। और फिर ये है जी शाम का टाइम, और हमने लेनी थी कुछ चीज़ें और हम लोग गए फ्लेमिंगो मॉल्स यानी कि कारफोर गए, और वहाँ से हमने थोड़ी चीज़ें लेनी थी। तो पैम्पर्स भी बच्चों के फिनिश हुए थे वो लिए, और ऑफर्स भी लगी हुई थी। और हम इधर आगे थोड़ा बढ़े तो इधर ये सॉफ्टीज़ लगी हुई थी, चप्पलें बहुत अच्छी थी। कारफोर में ये अक्सर ही ऑफर्स लगी होती हैं। और ये देखें ब्लैंकेट्स पड़े हुए हैं सब। अब थोड़ी ठंड वाला मौसम आ गया है, तो अब हर जगह पे आपको जर्सियाँ और ब्लैंकेट्स नज़र आएंगे। और इधर ऑफर्स बड़ी अच्छी लगती हैं ये। और ये थोड़ा आगे आए हम लोग तो ये देखें सैलड वाली है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आई और फिर मैंने ख़रीद ही ली मैंने ना, ये बहुत ही अच्छी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया की तरफ हम लोग आए, और मैंने भी लेना था ये, मुझे एयर फ्रायर चाहिए था और वो मैं देख रही थी। ये हुमर है एयर फ्रायर, तो मुझे चाहिए था, बड़ा अच्छा और बहुत ही इसका फ़ायदा है, तो वो मैं देख रही थी। और मेरे हस्बैंड ने लेना था मोबाइल, और वो देख रहे थे मोबाइल, तो मैं बस ऐसे लैपटॉप चेक करने के लिए इधर उधर आ गई। मैंने कहा चले आप दोस्तों के साथ भी शेयर करती हूँ। और फिर हम अबायास की दुकान पे आए और अबाया मैंने खरीदा है एक, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसा अबाया ख़रीदा है। तो बहुत ही अच्छे और नाइस सारे अबायास लगे हुए थे, मुझे भी एक पसंद आ गया और फिर मैंने भी वो बाय कर लिया अबाया। और
फ्लेमिंगो माल आए और कारफोर आए तो बच्चे गाड़ी ना चलाएं, ये ऐसे हो ही नहीं सकता। बच्चे फिर वापस जाने ही नहीं देते, रास्ते में ही रोना शुरू कर देते हैं कि गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है। फिर हम लोग नीचे आए, ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग आए और बच्चों ने भी थोड़ी देर गाड़ी चलाई अपनी। और ये थोड़ी आज वो फुवारे नहीं चल रहे थे, ये थोड़ा मैं आगे आई तो ये मैंने कारफोर में ये फर्स्ट टाइम ही ऐसे ये वाले झूला देखा है, बहुत ही मज़े का था। पाकिस्तान में जब हम 2 ईयर पहले मैं गई थी उधर मैंने देखा था, ये मैंने इधर कारफोर में पहली बार ही देखा है और बहुत मज़े का था। हम लोग तो नहीं बैठे, बच्चे तो दूसरी वो गाड़ियाँ चला रहे थे और मैं वैसे ही इस तरफ आई और ये मैंने फर्स्ट टाइम ही इधर देखा। फिर बच्चे एंजॉय कर रहे थे और ये स्मीना ब्रांड है और मैं फिर इधर आ गई। मैंने कहा सोचा चले इधर भी ऑफ़र्स लगी हुई थी, इधर तो शायद ऑल टाइम ही ऑफ़र्स होती हैं, जब भी आए ऑफ़र्स ही लगी होती हैं, लेकिन आज मुझे इधर कोई इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। मैंने अपनी जर्सी लेनी थी और मुझे चाहिए थी आगे ओपन हो, लेकिन मुझे अपनी पसंद के मुताबिक जर्सी नहीं मिली थी और मैंने फिर बंद बंद मिलती हैं और शॉर्ट मिलती है, मुझे थोड़ी लॉन्ग चाहिए थी और आगे से ओपन चाहिए थी और वो इधर से मुझे नहीं मिली। और शूज़ भी बहुत अच्छे लगे हुए थे और मैं ज़्यादातर सिंपल शूज़ पहनना पसंद करती हूँ, ज़्यादा जिनके ऊपर हैवी सा काम इधर उधर ये स्टोन वगैरह लगे होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। और ये बच्चों की तरफ ये अच्छी ऑफ़र लगी थी, गर्ल्स की काफ़ी अच्छी थी, बेबी गर्ल की, लेकिन अभी मेरी बेटी नहीं है तो फिर मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। बॉयज़ की तरफ मैं गई लेकिन बॉयज़ की भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी कलेक्शन लगी हुई और फिर मैं फिर के थक गई थी और फिर मैंने सोचा कि चलें थोड़ा मसाज करवा लिया जाए। और ये है जी मसाजर चेयर है, ये आपको पूरे फ्लेमिंगो माल पे मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़ी हुई आपको मिलेंगी। और इधर हम 10 रियाल इसको एंटर करते हैं, डालते हैं इधर 10 रियाल और 10 मिनट फिर आप लोग मसाज करवा सकते हैं। और फिर मैंने इधर 10 रियाल डाले और फिर मैं मसाजर चेयर पे बैठ गई और मैंने 10 मिनट सही फुट पे भी और लेग्स पे, नेक पे, बैकबोन पे सारे मैंने, हेड की बड़ी अच्छी मसाज होता है, हेड का बहुत ज़बरदस्त मसाज करती है ये। और फिर मैंने बैठ के तो मैंने मसाज करवाया और फिर मैंने और साथ साथ आपको सामने वाला व्यू दिखा रही हूँ और बहुत मज़ा आया। और बस यहीं तक था आज का मेरा ये व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अपनी दुआ